नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और हम बात करेंगे डेटा विजुलाइजेशन टूल्स पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई के फंक्शन वाले पार्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलिए फंक्शन वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम पावर बीआई में गेट डेटा पे जाते हैं और हम एक डेटा को कनेक्ट करते हैं। लोकेशंस पे गए, डेटा को सिलेक्ट किए, डीटी डेटा कनेक्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो यहां पे हम डेटा पे आते हैं और ये हमारा डेट है, और हमने यहां पे डेट को सिलेक्ट करके हमने इसके लोड कर लिया। तो जैसे कि अभी मेरा डेटा लोड हो रहा है, डेटा मेरा लोड हो गया। अब मैं डेटा बेस में जाता हूं, तो मेरे इस सीट पे आप देख रहे हैं कि डेज है, मंथ है, ईयर है और डेट है। तो डेट का यहां पे तो है, लेकिन हो सकता है कि डेट यहां पे ना हो। डेट का कॉलम डेटा बेस में था, बट मैंने इस मान लीजिए इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं। डेट का कॉलम अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, और मुझे रिपोर्ट बनानी है डेट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ईयर मंथ और ईयर डेट और मंथ तीनों अलग अलग है, मैं चाहता हूं कंबाइन करके एक डेट बनाऊं। तो मैं मॉडलिंग में जाऊंगा और यहां पे न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा, और यहां पे कॉलम दिख रहा है, तो इस कॉलम के जगह पे मैं सिलेक्ट करूंगा डेट, और यहां पे डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले ईयर, तो मैंने यहां पे ईयर सेलेक्ट कर लिया। मंथ, ध्यान रखिएगा मंथ में इस मंथ को नहीं सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि अगर इस मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो मंथ का फॉर्मूला इसके सामने एफएक्स लगा हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला है, और यहां पे सीट का सिंबल लगा हुआ, इसका मतलब ये सीट है। और फिर डे, डे फॉर्मूला लग गया ना, डे, और फिर हम इसको सिलेक्ट करके एंटर मार, आपके सामने डेट आ गया। बट डेट जो है डेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके यहां डेट टाइप, डेट एंड टाइम है, तो इसमें मैं सिर्फ मैं डेट कर देता हूं, तो इसमें टाइम वगैरह नहीं आएगा। अब मैं विजुलाइजेशन पे जाता हूं और मैं डेट को रखता हूं, और इसमें मैं मान लीजिए सेल्स को रखता हूं। आपके सामने हमारा रिपोर्ट बन गया ईयरली। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये हमारा क्वार्टरली हो जाएगा, और फिर एक बार क्लिक करता हूं तो हमारा मंथली हो जाएगा। तो डेट रखने से ये फायदा होता है कि आप क्वार्टर में, ईयर में, डेट में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने डेट फॉर्मूला को लगाया और हमने अलग अलग डेट को आपस में कंबाइन किया इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह के डाउट हो, क्वेश्चन हो, या फिर आप पावर बीआई सीखना चाहते हो, या फिर एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हो मेरे साथ लाइव ऑनलाइन, तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे, वहां पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरे, एक दो क्लास डेमो लें, फिर हम बाकी चीजों पे डिस्कस कर लेंगे डेमो क्लास के बाद।